प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत बैठी है, सिंहासन सजा हुआ है, मेरे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी तख्त पर विराजमान है। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने वचन किए, कहने लगे संगत में से कोई सिख, कोई एक श्री जपजी साहिब जी की वाणी शुद्ध उच्चारण करके सुनाए, एक एक अक्षर शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करके श्री जपजी साहिब जी की वाणी सुनाए। जो कोई सुनाएगा मन एकाग्र चित करके, वो जो मांगेगा हम उसे देंगे, उसके मन की मुराद पूरी करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को तो लगभग मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, क्योंकि दास तो बचपन से सुनता आया है, पर इसके पहलू बड़े अनेक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर यह है, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ये नहीं कहा कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी सुनाओ, शुद्ध बाणी सुनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शुद्ध। बहुत फर्क होता है शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण में। हम सब गलतियों के पुतले हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, पर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वाणी का शुद्ध उच्चारण आ जाए। इसका फल क्या है, श्रवण कीजिए। सारी संगत में किसी की हिम्मत नहीं हुई, इतने सारे सिख थे कि शुद्ध उच्चारण कर सके, डर गए कि गलती हो जाएगी। पर एक सिख उठा जिसका नाम इतिहास में है, भाई गोपाला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गोपाला जी उठे और विनम्रता से बेनती की, पाचा मेरी समर्था नहीं कि मैं शुद्ध वाणी उच्चारण कर सकूं। हाँ, मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा, आप सर पे मेरे बड़ा हाथ रखो और मुझसे सेवा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी पीरी के मालिक मेरे गुरु हरगोविंद साहिब जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी, इसकी विनम्रता देखकर इस पे प्रसन्न होकर कहने लगे, इसके लिए ऊंचा आसन बिठाओ। देखना सत्संग जी, एक एक पहलू ध्यान देना। कहने लगे इसने बाणी सुनानी है, इसका आसन हमसे भी ऊंचा लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी तख्त पे बैठे हैं, उनसे ऊंचा आसन उनके सामने लगाया गया। यहां पर गौर करना सत्संग जी, हम अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि बाणी पढ़ने वाला नीचे बैठा है, हम ऊपर बैठे हैं। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे ये बेअदबी है, जो बाणी पढ़ रहा हो वो हमसे ऊपर बैठा होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सुनने वाला नीचे। छेवें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसका अपने से ऊंचा आसन लगवाया, भाई गोपाला जी को बिठाया हुक्म देकर, कहने के सुनाओ वाणी। सारी संगत जुड़ी बैठी है, सात संगत। भाई गोपाला जी ने अरदास करके श्री जपजी साहिब जी की वाणी प्रारंभ की और इतना मन जोड़कर एक एक अक्षर शुद्ध उच्चारण किया कि सबका मन जुड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी इसकी वाणी, शुद्ध वाणी का उच्चारण सुन के बहुत प्रसन्न हुए मन ही मन। वो वाणी पढ़ते जा रहे गुरु हरगोविंद साहिब जी विचार करने लग गए कि हमने इसे कहा है कि शुद्ध उच्चारण से जो वाणी सुनाएगा उसे मुंह मांगी मुराद देंगे, कोई बड़ी दात देंगे। तो वो हिसाब लगाने लगे, बड़ा क्या है मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छेवें गुरु नानक, सृष्टि के मालिक। हिसाब लगाने लगे, इसे ये दे, यहाँ का राज दे, वहाँ का राज दे, ये दे वो दे, बड़ी से बड़ी चीज लगने सोचने लगे, हर चीज उन्हें छोटी लगने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि ये जपजी साहिब जी की वाणी है, गुरु नानक पातशाह के मुखारविंद से उच्चारण हुई पहली वाणी, इसकी क्या कीमत हो सकती है। हर चीज सृष्टि की, हर चीज सृष्टि के मालिक को छोटी दिखाई देने लगी इस वाणी के सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर दास को एक कोई बुरा ना माने, पर मुझे एक बात गलत लगती है,
सारे सारा कंसेप्ट ही गलत है। जब हम कीर्तने को बुलाते हैं तो फोन पर पूछते कितनी भेटा लेते हो, और कीर्तने भी हम बता देते इतनी भेटा लेते हैं। कीर्तन, गुरबानी का कीर्तन, इसकी ना कोई भेटा ले सकता है ना कोई इसकी भेटा दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी, बाबा आनंद सिंह जी कहते थे इसे भेटा मत कहा करो, इसे सत्कार कहा करो, सत्कार कि ये सत्कार है कीर्तनीय का, कीर्तनीय भी इसे सत्कार कह के लिया करें, भेटा कह के नहीं। वाणी की कीमत कौन डाल सकता है, कौन पैदा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सालस राय जौहरी ने जब उस लाल के दर्शन किए जो गुरु नानक पाशाह ने भाई मर्दाना के हाथ से भेजे थे, गुरु नानक पाशाह ने कहा था कि उसे कीमत पूछ के आना। सालस राय जौहरी ने उसे बेचने की खरीदने की कोशिश नहीं की, उस लाल को देखकर 100 रुपये का माथा टेक दिया। कहने लगा इसकी दर्शन बेटा है, सत्कार है इस हीरे का, मैं इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता, इसे कोई नहीं खरीद सकता, ये बेशकीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक लाल हीरा बेशकीमती जिसे माथा टेक दिया 100 रुपये का उस जमाने में सालस राय जौहरी ने, ये तो सारी दुनिया के लाल एक तरफ, गुरबानी के एक इक्कोंकार एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई क्या भेटा दे देगा और कोई क्या भेटा ले लेगा। जो भी आप कीर्तनियों को देते हो वो सत्कार है उस वाणी का, बस कभी भेटा मत कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी, विचार करने लगे क्या दें, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास। तो आखिर में ध्यान आया, क्योंकि पाठ खत्म होने पे आ गया, थोड़ा सा बाकी है। गुरु हरगोविंद साहब जी को ध्यान आया सबसे बड़ी तो हमारे पास गुरु नानक के घर की गद्दी है जिस पे हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस वाणी के बदले यही दी जा सकती है और कुछ नहीं दे सकते हम, इससे बड़ा हमारे पास कुछ नहीं। और गुरु हरगोविंद साहब जी ने तखत से उठना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तखत से उठने लगे कि तख्त खाली कर देता हूँ, जैसे ही पाठ का भोग पड़ेगा भाई गोपाला जी को तख्त पर बिठा देंगे, गुरुगद्दी दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की वाणी, इसकी वैल्यू समझिए साथ संगत जी। शुद्ध उच्चारण से गुरु जिसे अपना तख्त देने लगे, अपनी गद्दी पर, जब भाई गोपाला जी ने पाठ करते करते देखा कि गुरु हरगोविंद साहब जी तक से उठने लगे हैं, तो मन में सोचा इन्होंने तो कहा था ये नाम देंगे बड़ा, ये तो जा रहे हैं उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भाई गोपाला जी के क्या चल रहा है और गुरु हरगोविंद साहब जी के मन में क्या चल रहा है। वो उठ इसलिए रहे हैं कि गुरुगद्दी भाई गोपाला जी के दे दे पाए। भाई हमारी सोच, हम छोटे लोग, भाई गोपाला जी सोचने लगे, गुरु हरगोविंद साहब जी जाने लगे, अगर रुक जाते तो मैं उनसे वो सोने की काठी वाला घोड़ा मांग लेता जो इनके पास है, कितना सुंदर घोड़ा है, सोने की काठी है उसकी, अगर वो रुक जाते गुरु हरगोविंद साहब जी और पूछते क्या मांगता है तो मैं वो मांगता। गुरु हरगोविंद साहब जी ने इसके मन अंतर्जामी पाछा, इसके मन की बात सुन ली और मुस्कुरा कर वापस बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा आनंद सिंह जी कहा करते थे, हमारी हालत तो वो है राजा के पास जाकर घास की गोनी मांग लेते हैं, हमारी हालत ये है, राजा कहे क्या चाहिए हम कहते 10 गोनी घास दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी नजर में कीमत ही इन चीजों की है। राजा के पास गया है तो कुछ बड़ी चीज मांगता, और ये तो सृष्टि का मालिक, इसलिए बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सबसे बड़ी ज्ञान है, सबसे बड़े ज्ञान की बात मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ने ये किया था ना, गुरु नानक पाशाह पूछने लगे मांग क्या मांगता है, बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे नहीं मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पाशाह कहने लगे नहीं हम दूसरा वचन कर रहे हैं, मांग कुछ तो मांग ले। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे पाशाह मुझे मांगना आता ही नहीं, मैं मांगूंगा कुछ गलत मांग लूंगा। गुरु नानक पाशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए कुछ मांग। तब बाबा आनंद सिंह ने हाथ जोड़कर कहा था बाबा आनंद सिंह जी ने कि मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशाह मुस्कुरा के कहने लगे एक तो कहता है मांगना नहीं आता और छोड़ा भी कुछ नहीं, जिसे अपना ही बना लिया बचा क्या। कोई पिता किसी को गोद ले ले
तो सारा कुछ ही उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी जायदाद ही उसके नाम पे हो गई, बचा क्या। भाई गोपाला जी ने वही गलती की जो हम करते हैं। मन में सोचा कि वो सोने की काठी वाली घोड़ा मिल जाए। जब पाठ का भोग बढ़ा, गुरु हरगोविंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई गोपाला हम तो इसलिए उठ रहे थे तुझे गुरुगद्दी दे दें इस वाणी की कीमत, कि सामने सृष्टि का सारा खजाना भी कुछ नहीं था, पर तूने घोड़ा मांग लिया, तेरी इच्छा पूरी करेंगे, ये सोने की काठी वाला घोड़ा तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।